आज के टाइम में इंस्टाग्राम लोगों को इस हद तक पागल बना रहा है और जिस पागलपन का इलाज पूरे दुनिया में अगर आप खोजने जाओ तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। भाई बुरा तो इस बात का लगता है कि अगर इस चीज को एक वक्त पे रोका नहीं गया तो ये लिमिटलेस हो जाएगा और पूरी दुनिया बर्बादी की ओर में घुसता चला जाएगा, खास तो अपना इंडियन लोग, क्योंकि इंडिया में इंस्टाग्राम को लोग कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लगे हैं और व्यूज पाने के लिए, चंद व्यूज के लिए लोग अपने हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ करना चालू कर दिए हैं। अमूमन मैं इन सारी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन आज पर्सनली मुझे खास ऐसा बुरा लगा तो मैं आप लोगों को अवेयर करने आ गया हूँ। अगर आप लोग समय पे नहीं रुकते हो तो भाई बर्बाद होने से दुनिया को कोई भी नहीं रोक सकता, खास तो अपने इंडियन लोग को। चलो मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आखिर कैसे इंस्टाग्राम लोगों को हेल्थ के साथ खेलता है और लोगों को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। और इसमें गलती बस इंस्टाग्राम का नहीं है, इसमें गलती लोगों का भी है, क्योंकि लोग आजकल के टाइम में इंस्टाग्राम को ही अपना सब कुछ समझने लगे हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को अपना सब कुछ समझने लगे हैं। अगर इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो पर व्यूज आ जाए तो वो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और उन्हीं व्यूज के चक्कर में आजकल ये लोग काफ़ी गंदी हरकत कर रहे हैं। भाई गंदी गंदी हरकत तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के लोग अपने हेल्थ का भी कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे जाके रील्स बना रहे हैं चंद व्यूज के लिए। हुआ यूं कि मैं एक दिन इंस्टाग्राम पे ऐसे ही रील्स देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक औरत दिखी। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन शॉट में देख रहे होंगे, यही लेडीज दिखी। और जब मैंने इस लेडीज का वीडियो देखा तो ये लेडीज एक तरह से प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट ही है, और प्रेगनेंसी के दौरान ये लेडीज जम करके इंस्टाग्राम पे डांस कर रही है और इनको इस बात का भी फिक्र नहीं है कि ये तो प्रेगनेंसी में है। और प्रेगनेंसी के टाइम ऐसे उछल कूद करना इनके और इनके बच्चे के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। और हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है कि अगर आप प्रेगनेंसी से सफ़र कर रहे हो तो आपको रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इस महिला की वीडियो देखते हो तो ये महिला अपने रील्स के वीडियो में भर भर के उछल कूद करती है और इनको अपने बच्चे का और ना ही अपना सेहत का कुछ भी ख्याल नहीं है, बस कूद फंड के वीडियो बनाती है और वीडियो बना के ये बस व्यूज के लिए वीडियो बना रही है और इनको व्यूज के सामने एक बार भी नहीं दिखता है। मेरे हेल्थ पे इस चीज़ का क्या डिफेक्ट पड़ेगा और मेरे बच्चे पे इस चीज़ का क्या डिफेक्ट पड़ेगा। भाई अगर ऐसा ही चलता रहा, लोग इंस्टाग्राम के पीछे ऐसे ही पागलपन में घुसता रहा, तो एक दिन ये दुनिया हर चीज़ से ऊपर उठ जाएगी और खास तो इंडियन लोग। और लोगों को भी समझना चाहिए भाई, इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिलना, व्यूज मिलना, वो आपके हेल्थ से ज़्यादा बढ़ के नहीं है, लेकिन लोगों को इस बात का समझ नहीं आ रहा है। और आजकल के टाइम में इंस्टाग्राम पे तो ऐसा है ही, अगर आप लड़का हो, अगर आप में कितना भी टैलेंट है, वीडियो बनाते हो तो इंस्टाग्राम उस वीडियो को वायरल नहीं करता है। अगर आप लड़की हो, अगर आप कुछ भी करते हो तो इंस्टाग्राम पे वो वीडियो काफ़ी जम के वायरल होती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के चक्कर में लड़की लोग अपने हेल्थ को बिल्कुल भी नहीं देखती है, बस इंस्टाग्राम पे व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाई अगर जिसका हेल्थ ही खराब हो जाए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये औरत वीडियो बना रही है, इसके बच्चे और इसके साथ क्या होगा भाई, ये तो खुदा ही जाने। लेकिन लोगों को खुद सतर्क रहना चाहिए कि हम अपने हेल्थ के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करें।